मेरा नाम साक्षी। आज मैं आपको खेल के महत्व के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे जीवन में खेल का अधिक से अधिक महत्व है। खेल एक ऐसी चीज है जो खेलने से हमारे शरीर तंदुरुस्त रहता है, और खेल की तुलना जो बीमारियाँ दवाई से नहीं जाती वो बीमारियाँ खेलने से जाती है। खेल खेलने से हमारे जीवन के कुछ ऐसे जीवन सत्व है शरीर में से जो जलने से हमारे जीवन हमारे शरीर को अच्छे जीवन सत्व मिलते हैं। इसके लिए हमें हर रोज एक से दो घंटा खेलना चाहिए। खेल के दो प्रकार हैं, एक प्रकार है शारीरिक खेल और दूसरा प्रकार है तार्किक खेल। तार्किक खेल का मतलब जो खेल जो घर में खेले जाते हैं और जो खेल जो दिमाग से खेले जाते हैं, और शारीरिक खेल मतलब जो खेल हम बाहर खेलते हैं जैसे कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, लंगड़ी, ऐसे जो खेल वो शारीरिक खेल में आते हैं। और तार्किक खेल मतलब कुछ ऐसे खेल जो शब्दों से खेले जाते हैं, कुछ लूडो, सांप सीढ़ी, ऐसे जो घर में खेले जाते हैं वो तार्किक खेल है। शब्दों के खेल मतलब मैं बोलूँगी अब आपको सेब, तो मेरे सामने वाला बोलेगा सेब और केला, तो मैं बोलूँगी सेब, केला, अनार, तो सामने वाले बोलेगा सेब, केला, अनार और अंजीर। ऐसे जो हमारी दिमाग को बढ़ाता है और जो खेल दिमाग से और दिमाग को हमारे दिमाग के कुछ ऐसे बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें शब्दों के भी शब्दों के खेल खेलने से हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जैसे हम शारीरिक खेल खेलते हैं वैसे हमें तार्किक खेल भी खेलने चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जैसे खेलने भी बहुत पड़ाव होते हैं, जैसे राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, जो खेल जो मैदान में खेले जाते हैं, और कुछ ऐसे खेल जिसमें पूरे एशिया खंड और पूरे देश भर के खिलाड़ी एक साथ खेले जाने वाले खेल हैं। जैसे क्रिकेट भी हमारे सभी जगह पे खेले जाते हैं, जैसे हॉकी, बैडमिंटन। अब हम हमारे ओलंपिक्स जो गेम्स होते हैं 5 साल बाद, उसमें हमारे भारत का खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वो हमारे एथलेटिक्स में पहले नंबर पे है और हमारे भारत की शान बढ़े। वैसे हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो भारत के लिए गर्व से ऊपर होना चाहिए। आज अपन खेलाबद्दल काही माहिती बघणार आहोत। खेल आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे। खेल आपल्या शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारांसाठी फायदेशीर ठरते आणि शरीराच्या रक्त भिजवण्यात देखील मदत करते, व दुसरीकडे मानसिक बुद्धीला वाढवण्यातही मदत करते आणि शरीराला हष्टपुष्ट बनवण्यात देखील मदत करते आणि आपल्या मेंदूचा विकास शाळेपासूनच सुरू होतो व शरीराचा विकास खेळापासून होतो। आज मी तुम्हाला दोन प्रकारचे खेल सांगणार आहे, एक घरातील खेल आणि मैदानी खेल। घरातील खेल पत्ते, लूडो, कॅरम आणि मैदानी खेल क्रिकेट, कबड्डी, खो खो। थँक यू। स्पोर्ट इज ऑल फॉर्म ऑफ यूजुअली कॉम्पिटेटिव फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज अँड थ्रू युजली कॅज्युअल ऑर ऑर्गनाइज पार्टिसिपेशन वाईल प्रोव्हाइडिंग एंटरटेनमेंट टू पार्टिसिपंट्स अँड इन सम केसेस ऑफ स्पेक्टॅकल्स अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्पोर्ट्स एन्सायक्लोपीडिया ऑफ 2003 देअर आर 8,000 टाइप्स ऑफ इंडिजिनियस स्पोर्ट अँड स्पोर्टिंग गेम्स। द ऑलिम्पिक इज फर्स्ट हेल्ड ऑन 776 BC, विच इन्वॉल्विंग गेम्स ऑफ फूट अँड चॅरिटी रेसिंग, रेसलिंग, जम्पिंग, एक्सेट्रा। द ऑलिम्पिक प्रोग्राम इज ऑफ 35 स्पोर्ट्स, 53 डिसिप्लिन्स अँड मोर दॅन 400 इव्हेंट्स अँड ऍक्टिव्हिटी इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सटेन्शन अँड
skills which involving team or individual for entertainment is called sports. Thank you.